हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक 920 एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी। बैंक निफ्टी आज लगभग 3% के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ। उसका रीजन था एचडीएफसी बैंक का खराब नतीजे, उसकी वजह से ओपन हुआ, क्योंकि बैंक जो आप एचडीएफसी बैंक देख रहे हो वो भी कम से कम 5-6% या नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी बुलिश कैंडलस्टिक बनी, मतलब जिन लोगों को अच्छा खासा लॉस दिख रहा था, जिन्होंने कॉल ऑप्शन बाय किया था कि कल मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन होगा, लेकिन ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, इसलिए वो जब लॉस को एग्जिट करेंगे तो वहां पर ये वन साइड या अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। इसलिए जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। उसका रीजन है आज का मार्केट देख लो, आपको जिस दिन थोड़ा थोड़ा गैप अप ओपनिंग हो रहा है मान लो, या जिस साइड आपकी तरफ ओपन हो रहा है तब आपको प्रॉफिट मिल रहा है, बट जिस दिन ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया या आपके अगेंस्ट में ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, उस दिन आपका पूरा प्रॉफिट भी चला जाएगा और पूरा आपका ट्रेडिंग अकाउंट ही खाली हो जाएगा। इसलिए कैरी फॉरवर्ड ना करें, उसी दिन प्रॉफिट लॉस है तो उसको कट करें, प्रॉफिट है तो कट करें, लॉस है तो कट करें। ऐसा नहीं है कि आज मेरा लॉस में चल रहा है तो उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूं। उस छोटे से लॉस को रिकवर करने की वजह से आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। इसलिए कभी भी कैरी फॉरवर्ड ना करें, आज का आज ही खत्म करें। तो जैसे यहाँ पर ऐसी बुलिश कैंडल बनी तो लो प्रॉफिट बुकिंग है। अब हमारे 920 एसएल हंटिंग स्ट्रेटजी क्या बोलती है कि इसका हाई ब्रेक होना चाहिए और हाई ब्रेक भी हुआ। सबसे बड़ी है यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बनी है अगली इतनी बड़ी, तो हमारा स्टॉप लॉस इसमें क्या थोड़ा छोटा ही था, वैसे इसी बात नहीं छोटा था, 123 पॉइंट का था, बट ये कैंडल इस कैंडल को देख के उसमें छोटा था। तो जैसे इसको लो ब्रेक किया, एंट्री हाई का स्टॉप लॉस मिनिमम आपका 1:2, यहाँ पर आपका टारगेट डन हो गया। यहाँ पर काफी टाइम इसने यहाँ कंसोलिडेशन किया, फिर अच्छा खासा मोमेंटम आया और यहाँ पर टारगेट डन हो गया, इसमें 1:2। कल के दिन देखोगे आप छोटा सा स्टॉप लॉस सेट हुआ तो 1:1 था, बट आज 1:2 वापस मिल गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। इसलिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। अभी हम फिनिफ्टी में देखते हैं, ये फिनिफ्टी का चार्ट है, इसमें सेम गैप डाउन हुआ, अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी और यहाँ पर इसका हाई को ब्रेक किया। अब आप बताओ कि मैंने बात किया कि या तो निफ्टी और फिनिफ्टी, इन दोनों में ही आपको ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में अच्छा सेटअप बना क्योंकि शूटिंग स्टार बना, बट निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं करके आज फिनिफ्टी में मैंने क्यों किया, क्योंकि निफ्टी के अंदर देखोगे जो फर्स्ट कैंडल था उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, वो छोटा सा विक्सेप बहुत ज्यादा, बल्कि यहाँ पर क्या हुआ इसका अच्छे से हाई भी ब्रेक हुआ और यहाँ पर नीचे देखोगे कैंडल क्लोज किया। तो जैसे ही क्लोज किया यहाँ पर एंट्री फंड, छोटा सा इसका स्टॉप लॉस 1:2, यहाँ पर आपका टारगेट डन हो गया। इसलिए आपको इसमें भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है कि एक्सपायरी है तो कल हो सकता है कि मेरा प्रीमियम 40 रुपए का या बहुत छोटा प्रीमियम है, मैं कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ, गलती से अगर मार्केट मेरी साइड ओपन हो गया तो मेरा ये 3-4 गुना हो जाएगा। इस 3-4 गुना के चक्कर में वहां पर 0 भी हो सकता है। यहाँ पर आपको देखो 1:2 मिला, कल एक लॉस हो गया तो क्या हुआ, आज 1:2 मिला, इसलिए हम रिस्क रिवॉर्ड बड़ा फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपको मिला, अभी फिर निफ्टी में अच्छा काम किया। अभी हम देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में देखोगे गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छे खासी बुलिश कैंडल बनाई, बट यहाँ पर देखो बिल्कुल छोटा सा विक्स इसको ब्रेक किया, बल्कि आप फिनिफ्टी में देखोगे तो काफी ज्यादा यहाँ पर ब्रेक किया है, मतलब जो आंखों से आराम से दिखाई देगा, बट इसमें आप नॉर्मली देखोगे तो आंखों से इतना दिखाई नहीं देगा। इसलिए निफ्टी में ना ट्रेड करके हमने फिनिफ्टी में किया। हर वीडियो में बताता हूँ कि क्यों इसमें ट्रेड करना चाहिए और क्यों ट्रेड करना चाहिए। सेटअप हमारा सेम है, बट फिनिफ्टी और निफ्टी किसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, किसमें स्टॉप लॉस छोटा है, किसमें टारगेट बड़ा हो सकता है, किसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही हो रहा है, उसमें ट्रेड करेंगे। यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस देख रहे हो, थोड़ा स्टॉप लॉस भी बड़ा था, इसमें ब्रेक भी नहीं किया था, बट बल्कि इसमें आप देखो कि काम किया आपको 1:1 ही मिला इसमें, बट हम इसमें ट्रेड नहीं किया, फिनिफ्टी का कारण वही था। बाकी थैंक यू, जय हिंद।